रूसी डिफेंस से विवाद के बीच वैगनर चीफ का ऐलान, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करें, रूस के 42 शहरों में वैगनर ग्रुप के लिए भर्ती शुरू, विद द विजुअल्स। दर्जनों शहरों में वैगनर चीफ का रिक्रूटमेंट का ऐलान, जंग में कई जगह नुकसान के बाद वैगनर में तेजी से भर्ती, युद्ध जीतने के बाद वैगनर को सेना में तब्दील करेंगे प्रिगोजिन। अब जरा मैं आपको अगली खबर की ओर लेके जा रहा हूं, वापस हम इस चंग पर आ रहे हैं। जरा देखिए हमला और हमलावर, क्योंकि अब तस्वीर जरा मैक्रो लेवल पर हो रही है और यहां पर मुझे और सारा अपने मेहमानों से हेल्प लेना पड़ेगा और बहुत जरूरी भी है। लेकिन पहली खबर, यूक्रेनी आर्टिलरी का रूस की ठिकानों पर बड़ा प्रहार, दिखाइए जरा विजुअल्स। यूक्रेन के 105 एमएम हॉटजियर का बड़ा अटैक, दिखाइए जरा विजुअल, एम्बियंस अप करिएगा। ये देखिए, हमले में कई रूसी सैनिकों को मारने का दावा किया गया है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में सीधा ये आज की बड़ी खबर, अमेरिका के पास रशियन सबमरीन दिखने से भारी टेंशन। ब्रेक करें, बड़ी खबर विद द विजुअल्स। रिटायर्ड नेटो एडमिरल ने कहा 50-50 कोल्ड वॉर जैसे हालात, कोल्ड वॉर की तरह रशियन सबमरीन की तैनाती। न्यूज वीक के हवाले से बहुत बड़ी खबर, सीधे आइए की ग्राफिक्स के पास और ये बड़ी खबर, ये एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए, बड़ी खबर, यूएस के पास रशियन सबमरीन, टेंशन हाई हो चुकी है। बड़ी खबर है वॉर एक्सपर्ट्स और रिटायर्ड नेटो एडमिरल का रूसी सबमरीन पर बड़ा दावा है। अमेरिका के पास बढ़ती रशियन सबमरीन से कोल्ड वॉर जैसे हालात हैं, कोल्ड वॉर के दौर की तरह रूस और यूएस, रूस ने यूएस के पास सबमरीन की तैनाती की। यूरोप के पास और भूमध्य सागर में रूस ने न्यूक्लियर सबमरीन को तैनात किया है। अमेरिका को 70 और 80 के दशक की तरह ही रूसी सबमरीन से खतरा है। सबके बीच में बड़ी खबर, अगली न्यूज की ओर सीधा आइए। जंग के बीच चीन से रूस पहुंची कई शिपमेंट, ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। सीएनएन का चीन रूस ट्रेड पर बड़ा खुलासा, विद द विजुअल्स। चीन से रूस पहुंचे कई हथियार और पार्ट्स, चीनी कंपनी पॉलीटेक्नोलॉजी ने रूस को भेजी शिपमेंट। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे फ्लोर ग्राफिक्स पर आइए। चीन और रूस के बीच में डिफेंस डील, ये बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव खबर, एक्सक्लूसिव खुलासे, सीधे देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं। कस्टम रिकॉर्ड्स के हवाले से सीएनएन का चीन और रूस ट्रेड पर बड़ा खुलासा है। अमेरिकी बैन के बावजूद चीन से बड़ी संख्या में हथियार पार्ट्स रूस गए, खुलासा एक। नवंबर 2022 में चीन की बड़ी कंपनी पॉलीटेक्नोलॉजी ने रूस को शिपमेंट भेजी, फिर चीन से हेलीकॉप्टर पार्ट्स, एयर टू ग्राउंड रेडियो इक्विपमेंट रूस गए। फिर जिस रूसी फर्म पर यूएस का प्रतिबंध है उसे चीन, उसे ही चीन ने पार्ट्स भेजे हैं। एक रूसी कंपनी ने भी कई हेलीकॉप्टर चीन को भेजे हैं, बड़ी खबर है।